रायबरेली के SJS पब्लिक स्कूल की कक्षा 12 की छात्रा पूर्वा यादव सीढ़ियों से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे पहले जिला अस्पताल ले जाया गया और फिर लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। प्रतापगढ़ में सिपाही राजकुमार सिंह के मर्डर के दोषी इरशाद अली को अपर सत्र न्यायाधीश FTC अजय कुमार ने उम्रकैद की सजा सुनाई। 18 अप्रैल 2017 को राजकुमार सिंह और सिपाही राजेंद्र प्रसाद इरशाद के घर डोजियर भरने गए थे, जहां इरशाद ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली लगने से राजकुमार सिंह की मौत हो गई थी। 8 अप्रैल 2017 में सक्रिय अपराधियों, गैंगस्टर के अपराधियों, लूट के अपराधियों के डोजियर तैयार करने के लिए, उसके संबंध में सूचना संकलित करने के लिए थाना रानीगंज से दो आरक्षी, आरक्षी राजकुमार सिंह तथा आरक्षी राजेंद्र प्रसाद क्षेत्र में सूचनाएं संकलित कर रहे थे। इसी दौरान बुढ़ौरा कुंभापुर के एक अपराधी इरशाद अली उर्फ रेहान के घर पर जब वह सूचना संकलित कर वापस लौट रहे थे, इसी समय उक्त अपराधी इरशाद अली के द्वारा उनके ऊपर अपनी अवैध पिस्टल से फायर किया गया। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में झांसी की माउरानी तहसील में सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने भारी बारिश से बर्बाद फसलों के मुआवजे, कच्चे मकानों के नुकसान का सर्वे और पुराने रास्ते की मरम्मत की मांग की। बाराबांकी में रिच इंडिया कंपनी बनाकर 12 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कोतवाली नगर पुलिस ने 5 आरोपी को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से कंप्यूटर, डायरी, पासबुक जब्त की। पुलिस दस्तावेजों की जाँच कर रही है। हरिद्वार जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह चंडी घाट पुल और हरिद्वार नजीबाबाद रोड का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि चंडी घाट पुल दिसंबर तक और अप्रोच रोड 15 जनवरी तक पूरा किया जाए, ताकि कांवड़ मेले में उपयोग हो सके। नजीबाबाद हरिद्वार रोड की मरम्मत को भी तेज करने के निर्देश दिए। जिस क्षेत्र भ्रमण के दौरान कई स्थानों का निरीक्षण किया गया है, सबसे पहले तो जो चंडी पुल बन रहा है यहाँ पर काफ़ी विलंबित है, 2017 से बन रहा है, उसका निरीक्षण किया गया। NH के अधिकारी भी साथ में थे और उसमें 2 अभी स्लैब बढ़ना बाकी है और विभिन्न कारण उन्होंने बताए विलम्ब के, लेकिन उनको निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में इसको दिसंबर तक पूर्ण कर लें, क्योंकि उसके बाद जो कांवड़ मेला आने वाला है तो कांवड़ मेले में इस पुल का प्रयोग किया जाना है, ताकि आम जनता को आसानी हो सके। उसके बाद जो चंडी देवी मंदिर है, मंदिर का जो रोपवे है, रोपवे की शुरुआत में वहाँ पे कोई पार्किंग के लिए व्यवस्था किस प्रकार से क्या की जानी है उसको देखा गया है। महुआ जिला अस्पताल में स्टाफ की बड़ी लापरवाही से महिला मरीज की जान पर बनाई है। जहरीले पदार्थ का सेवन करने वाली महिला मरीज का इमरजेंसी में इलाज करने के बाद TB वार्ड में भर्ती कर दिया गया। और इतना ही नहीं, TB का इलाज कर उसे 4 इंजेक्शन भी लगा दिए गए। 24 घंटे TB वार्ड में भर्ती होने के चलते उसकी हालत बिगड़ गई। फिलहाल प्रभारी CMS इस मामले में जाँच कर रहा है। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला जज विनय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में हुआ। अदालत ने कई वादों का निस्तारण अपने आपसी समझौते के आधार पर किया। आज जनपद न्यायालय में लोक अदालत के साथ साथ ही हिंदी दिवस का भी आयोजन किया गया है। हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि न्यायालयों में अधिक से अधिक निर्णय व आदेश हिंदी भाषा में ही पारित किया जाए, जिससे कि आम जनमानस को निर्णय सुलभ भाषा में उपलब्ध हो सके। श्रीनगर देवप्रयाग देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 धारा के पास एक कार को अल्ट्रो कार ने टक्कर मार दी, जिसमें स्विफ्ट डिजायर कार में सवार एक महिला घायल हो गई। पुलिस ने महिला को देवप्रयाग अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया। मिर्जापुर में BJP युवा मोर्चा ने अखिलेश यादव के मठाधीश और माफिया वाले बयान के खिलाफ गणेशगंज तिराहे पर पुतला फूंका और नारेबाजी की। भाजपा युवा मोर्चा के खिलाफ जिलाध्यक्ष मोंटी मिश्रा ने कहा कि साधु संतों के खिलाफ बयान देने के लिए हम अखिलेश यादव की निंदा करते हैं। अखिलेश यादव जी का बयान बराबर कुछ न कुछ आता रहता है, उसी के संदर्भ में उन्होंने हमारे समाज सनातन धर्म की तुलना, उन्होंने मठ मंदिरों की तुलना माफियाओं से करी है। जो साधु संत हमारे समाज को एक नई दिशा दिखाते हैं, नई शिक्षा देते हैं, नई राह पे ले जाते हैं, उन साधु संतों के मठ मंदिरों के बारे में वो अपनी तुलना माफियाओं से कर रहे हैं। इससे उनका संस्कार पता चलता है, इससे उनकी शिक्षा पता चलती है। उन्हीं के एक जमाना था, उनके पिताजी का जमाना था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर उन्होंने ही कारसेवों के ऊपर, निर्दोष कारसेवों के ऊपर, निहत्थे कारसेवों के ऊपर उन्होंने खूब गोलियां चलवाई थी। ललितपुर के बहुचर्चित अनूप सहाय मर्डर मामले में नया मोड़ आया है। 2018 के हत्याकांड के आरोपियों को ललितपुर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के आरोपी से बरी कर दिया है। हालांकि आरोपी अभी भी जेल में बंद है। मेरा नाम रविंद्र सिंह छतवाल है, यहाँ सेशन कोर्ट ललितपुर में हम विधि व्यवसाय करते हैं और ये
ललितपुर शहर का एक बड़ा चर्च।